SC ST एक्ट के खिलाफ दलितों ने किया भारत बंद। मोदी सरकार के SC ST एक्ट के संशोधन के खिलाफ दलितों ने अपना आक्रोश दिखाया, जिसके तहत उन्होंने भारत बंद कर दिया है। देश का कोई दलित नागरिक नहीं चाहता कि बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान में कोई संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि संविधान को बदलने की ताकत न तो कोई सरकार और न ही सुप्रीम कोर्ट रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी के खिलाफ बहुजनों ने अपनी ताकत दिखाई है। SC ST एक्ट के बदलाव को लेकर मोदी सरकार और बहुजनों के बीच बीते कई दिनों से तानातानी चल रही थी, जिसके चलते मोदी सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाल रही थी। वहीं दलित संगठनों ने भारत बंद का आयोजन कर दिया और इस भारत बंद के दौरान दलित संगठनों ने कानून के दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शित किया है। उधर भारत बंद को देखते हुए पंजाब के स्कूल, यातायात व्यवस्था और मोबाइल सर्विस पर भी रोक लगा दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं के CBSE बोर्ड के एग्जाम को भी रोक दिया गया है। यह एग्जाम अब बाद में कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ दलित संगठन ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई हैं। सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि BJP सरकार के कुछ नेता भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि मोदी सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर रही है। इस प्रदर्शन का असर भारत के कई राज्यों में नजर आ रहा है। बिहार में कई जगहों पर रेल सेवाओं को रोक कर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा राजस्थान, UP, गुजरात में भी प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन से पता चलता है कि आज दलित कितना मजबूत है और इससे सरकार भी अपना फैसला बदलने को मजबूर है। ये थी SM News की रिपोर्ट।